तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीआई में राजस्थान में एक वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये जो नोटिफिकेशन है ये 1 जुलाई का है, 1 जुलाई 2024 में आया है, ठीक है। 1 जुलाई 2024 में जो ये विज्ञापन आया है, इस विज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं वीपी यानी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट आईटीआई की पोस्ट है, ठीक है। अब आप देखोगे कि यार वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल में तो बी एड भी मांगते हैं, सी टेट भी मांगते हैं, यही तो चीज है आजकल पीजीटी में मांगने लगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखा ना आईटीआई में वैकेंसी निकली कि टेक्निकल बंदे हैं, इनको टेक्निकल बंदों से मतलब है, ऐसे होने चाहिए वैकेंसी निकालने वाले, जो नोटिफिकेशन बनाने वाले, ठीक है। उसने दिमाग लगाया कि भाई हमें टेक्निकल, हमें बी एड वालों की जरूरत नहीं, सी टेट वाले की जरूरत नहीं, हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, हम इंजीनियर्स को पढ़ाएंगे तो इंजीनियर्स की जरूरत है। तो यहाँ पे कोई बी एड की जरूरत नहीं है, कोई सी टेट की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। और पेपर भी आप ध्यान रखोगे केवल कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, जो जिस ट्रेड से है केवल उसी सब्जेक्ट का पेपर होगा, कोई जनरल पेपर ही नहीं होना, ओनली सब्जेक्ट का पेपर होना है यहाँ पे। तो समझते हैं इस वैकेंसी को, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी। आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं, ना हिंदी पढ़नी, ना इंग्लिश पढ़नी, ना मैथ पढ़नी, ना रीजनिंग पढ़नी, ना जीएस पढ़नी, कुछ नहीं पढ़नी, केवल अपना सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये जो प्रोफेशनल हैं, जो टेक्निकल चीजें वे जानते हैं टेक्निकल, और वहां पे क्योंकि बैठे हुए जो नोटिफिकेशन बनाने वाले वो टेक्निकल बंदे ही बैठे होंगे, तो उनको पता क्या चीज की उनको जरूरत है, क्या चीज की उनके बच्चों को जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने नोटिफिकेशन बनाया है। तो यहाँ पर जो है वाइस प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट ऑफ आईटीआई के लिए है, ठीक है। गवर्नमेंट की वैकेंसी टोटल पोस्ट 36, वाइस प्रिंसिपल की 36 पोस्ट होना भी अच्छी बड़ी बात है। जनरल की 11 पोस्ट है, जनरल WE में जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ पर 3-2 इस तरीके से दी गई है। नॉर्मल जो है जनरल के बाद अगर SC की देखे हम तो SC की हमारे पास इस तरीके से डिवाइड है 3-2 में, वोमेन वगैरह की है, ठीक है। और हमारे पास जो है मैन वगैरह जो जनरल है मतलब उसके लिए, तो ये अलग अलग दिया हुआ है ST OBC MBC, ठीक है। मोर बैकवर्ड क्लास है ये, बैकवर्ड क्लास है, और EWS की वैकेंसी है। EWS में तीन ही वैकेंसी, 2 जनरल 1 विडो में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे पास जनरल GN जनरल ही है हमारे पास, जनरल WE का मतलब है जनरल वोमेन, ठीक है। तो जो ये आपको दिख रही है जनरल वाली, ये 11 पोस्ट है, और जनरल WE मतलब वुमेन के लिए 3 सीट अलग से रिजर्व है, WD का मतलब विडो है तो उसके लिए 2 सीट रिजर्व है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एज की भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एज लिमिट भी कोई, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है तो एज लिमिट की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। बस आपकी पढ़ाई और पेपर आप अच्छे से कर दो, उससे रिलेटेड है। टोटल 36 वैकेंसीज हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। तो एलिजिबिलिटी में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे लिखा है सेकंड क्लास डिग्री इन सिविल, ठीक है। या तो आपने सिविल इंजीनियरिंग में सेकंड क्लास हो, कम से कम 45% सिविल में हो, वो सबके ही आ जाते हैं, 60 से ही ऊपर आते हैं। मैकेनिकल में की हुई, इलेक्ट्रिकल, IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब आपने इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए कोई सी भी ब्रांच में की हुई हो, CS में, IT में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल में, किसी में भी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरव्यू में वो काम आएगी, हिंदी में बात करेंगे आप हिंदी में बात कर ले, ठीक है। राजस्थान की कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो, वो इंटरव्यू के लिए होगा, 15 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी रहेगा, कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है। अब एज पे आ जाते, इसमें ये भी कहा है कि जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर वाले के कैंडिडेट को अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें थोड़ा सा। तो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, वो क्या है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा है
कि अभ्यर्थी अपनी उपाधि, उपाधि मतलब होता है डिग्री, अनुसार जिस विषय की परीक्षा देना चाहता है उस विषय का चयन ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक रूप से करे, कि वो कंप्यूटर साइंस का देना चाहता है, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, किसका देना चाहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका पेपर होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस वाले ही भरे जाएंगे, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का मतलब कोई सी भी ब्रांच में हो, सारी ब्रांच चलती है आईटीआई में, पढ़ाना तो है नहीं, वाइस प्रिंसिपल के कुछ ही पीरियड रहते हैं, सारी ब्रांच है उसी में चल जाएंगे, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं। मतलब आपने इंजीनियरिंग करी हो, किसी भी ब्रांच से करी हो, मतलब ये है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो वेतन पे का वो है लेवल है, तो लेवल 14 है, लेवल 14 यानी ग्रेड पे 5400 की ग्रेड पे यहाँ पर सैलरी मिलेगी, ठीक है, राज्य सरकार के नियम अनुसार, ठीक है, फिक्स पे दे होगा। एज की लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 1/1/2025 को कैलकुलेट करी जाएगी, कम से कम 20 सालों और मैक्सिमम 40 सालों, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 20 से 40 साल, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5-5 साल का रिलैक्सेशन होगा, यानी उनके लिए 45 होगी। वोमेन के लिए 45 ऑलरेडी हो जाएगी 5 साल का, महिलाओं को भी मिलेगा रिलैक्सेशन। अगर कोई महिला राजस्थान की है और कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसको 10 साल का रिजर्वेशन है, और आयु में छूट है, मतलब 10 साल का, मतलब उसके लिए 50 साल तक की एज लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और मेल कैटेगरी वाले जो राजस्थान के हैं उनको 5 साल की छूट है, ठीक है। और जो जनरल की महिलाएं हैं उनको 5 साल की, जनरल महिलाएं मतलब राजस्थान से बाहर की कहीं भी, ठीक है। और जो ये रिजर्वेशन कैटेगरी है महिलाओं के लिए तो कहीं की भी हो, लेकिन बाकी के लिए जो है वो राजस्थान, मेल कैंडिडेट के लिए राजस्थान वालों के लिए है, और राजस्थान की महिलाओं को 5 साल का एक्स्ट्रा मिला हुआ है। उसके साथ साथ जो विधवा है या तलाकशुदा महिला है वो कहीं की भी हो, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, 60 साल तक की एज लिमिट में होगी वो, ठीक है। तो बाकी जो है इसी तरह से यहाँ पे दिए हुए जो हमारे पास वो होते हैं, मतलब इसमें लिखा हुआ है आर्मी वगैरह के हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको भी कुछ छूट वगैरह है, ठीक है। इसके बाद आते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पहले लिखित परीक्षा होगी, क्या होगा, लिखित परीक्षा, कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होना है, आवश्यकता होने पर आयोग उत्तर पत्रक यानी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन वगैरह किया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मॉडरेशन वगैरह वो 10% से अधिक नहीं होगा, ये तो बात अलग है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब फिल किए जा रहे हैं। तो फॉर्म फिल करने की बात अगर यहाँ पे करेंगे तो फॉर्म फिल किए जाएंगे 10 जुलाई से, कब से किए जाएंगे, 10 जुलाई से, और लास्ट डेट होगी 8 अगस्त को, 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 8 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ पर फॉर्म फिल करने की। ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट है, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है फॉर्म फिल करने का, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस के बारे में 150 नंबर का जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे आपके रिटन एग्जाम में। और यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे केवल क्वेश्चन आपके उसी सब्जेक्ट से आएंगे। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो यहां से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट से बाहर के नहीं आएंगे। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो मेनली यहां पे रिटन टेस्ट की ही बात है, उसके मार्क्स हो जाएंगे 165 टोटल होगा, ठीक है। एक ही पेपर होगा, इसमें ऐसा नहीं कि आपको दो पेपर देने, एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। सिलेबस वगैरह
वाला क्या आएगा, सिलेबस जो है बेसिकली वो ही रहेगा सिलेबस रिटन एग्जाम का जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड द कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मार्क्स एज मे बी फिक्स्ड बाय कमीशन इन देयर डिस्क्रिप्शन शैल बी समन्ड बाय द कमीशन फॉर इंटरव्यू। यानी वे जो मार्क्स आएंगे वो फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू में भी रहेंगे। तो द कैंडिडेट समन्ड बाय द कमीशन फॉर द इंटरव्यू शैल हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू द एलोकेशन ऑफ मार्क्स फॉर इंटरव्यू शैल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल मार्क्स टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो ये इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली 150 का इंटरव्यू होगा और जो है हमारे पास यहाँ पर वो होगा 15 मार्क्स का क्या रहेगा आपका, वो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 150 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शन मतलब 5 रहेंगे और 1/3 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, ठीक है। यहाँ पर 1/3 की इसमें ये लिखा हुआ देखो 1/3 ऑफ मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए जो है इनकरेक्ट के लिए आपको 1/3 की मार्किंग रहेगी, 1/3 वाली मार्किंग रहेगी। और इसमें लिखा कि ए कैंडिडेट हु हैज नॉट डग्ड एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। जो ऊपर ये लिखा हुआ ना 10% मार्क्स, आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन आपने अगर ऐसे कर दिए जिन पे मार्क्स ही नहीं लगाया, मतलब स्किप कर दिए अगर 10% से ज्यादा, तो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको 150 में से कम 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशन इसमें दी गई है, अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे नेगेटिव मार्किंग भी, लेकिन नेगेटिव में ये नहीं आप 100 क्वेश्चन करिए 50 छोड़िए, आपको आपको कम से कम 135 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही होंगे, ठीक है। भाई 1 ईयर का आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करी हुई है और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, कोई वो नहीं, ठीक है। तो 10 तारीख से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हैं, 5400 की ग्रेड पे की जॉब है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।